में आरोग्य विभाग की ओर से चलाए जाने वाले मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन अभियान योजना में 19 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों को 6 रुपयों में 6 नैपकिन्स वाले किट बांटे जा रहे हैं, लेकिन गरीब वर्ग में आने वाली सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रश्न को पूरी तरह से मिटाने के लिए 19 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों और महिलाओं को 1 रुपये नाम मात्र कीमत में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना दिनांक 15 अगस्त 2022 से शुरू करने का निर्णय महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से लिया गया है। इस संदर्भ में आज ग्राम विकास मंत्री हसन मुशरीफ इन्होंने कोल्हापुर के शासकीय विश्राम गृह में पत्रकार परिषद ली, जिसमें 1 रुपये कीमत के 10 सैनिटरी नैपकिन का एक सेट देने का निर्णय किया गया है। वैसी आणि ग्रामीण महिलांची कशा पद्धतीने आरोग्याची हेसांड होत असेल त्याचे चित्रीकरणावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल। आता आपल्या राज्यामध्ये प्रमोशन ऑफ मॅन्युस्ट्रियल हायजीन स्कीम या योजनेअंतर्गत 19 वर्षाखालील युवतींना 6 रुपयामध्ये 6 नॅपकिन्स असलेली किट आरोग्य विभागामार्फत पुरवण्यात येत आहे। आणि आता आज आपण निर्णय घेतो आहे 60 लाख ज्या दारिद्र्यरेषेखालच्या महिला आहेत त्यांना 1 रुपये नाममात्र किमतीनं 10 नॅपकिनचा एक सेट याप्रमाणे 15 ऑगस्ट 2022 पासून आम्ही या दारिद्र्यरेषेखालच्या महिलांना बचत गटाच्या महिलांना 1 रुपये नाममात्र किमतीनं महिन्याला 1 पॅकेट म्हणजे 10 नॅपकिन त्यामध्ये असतील ते देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे आणि त्याला अंदाजे जवळजवळ 200 कोटी रुपयाचा खर्च येईल। बॉसने मीटिंग बुलाई। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।